जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वेदों के अंदर और वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर जो बेस्टिलिटी है, मतलब एनिमल्स के साथ में सेक्स करना, वो भी काफी प्रचलित थी और उस वक्त एक नॉर्मल चीज थी। कोई भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल चीज थी। इस टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं चैप्टर नंबर, इसकी जो चैप्टर नंबर 2 है, द एंशिएंट रिजीम। चैप्टर नंबर 2, द एंशिएंट रिजीम, द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के आने से पहले की जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी उसको एक्सप्लेन किया गया है कि उनकी नैतिकता कितनी गिरी हुई थी, उनकी मॉरलिटी कितनी गिरी हुई थी, वो इस चीज के इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया, उस प्लेलिस्ट में जाके इसका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 2 का। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि वैदिक सोसाइटी के अंदर एनिमल सेक्स बेस्टिलिटी काफी प्रिविलेंट थी, काफी किया जाता था, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 के उस पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ है, वहां पर आगे हैं जहां पर बेस्टिलिटी का जिक्र किया गया है। वहां यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि बेस्टिलिटी वाज आल्सो प्रिविलेंट अमंग द आर्यंस। द स्टोरी ऑफ द सेज डेम डाम हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ फीमेल डियर इज वेल नोन। अनदर इंस्टेंट इज दैट ऑफ सूर्या कोहबिटिंग विद अ मेयर, बट द मोस्ट हिडियस इंस्टेंस इज दैट ऑफ द वुमन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हॉर्स इन द अश्वमेध यज्ञ। मतलब बाबा साहब ये कहते हैं कि जो बेस्टिलिटी एनिमल सेक्स था वो आर्यन सोसाइटी के अंदर, वैदिक आर्यन सोसाइटी में काफी प्रेविलेंट था, नॉर्मल बात थी, है ना। और एग्जाम्पल दिया है सेज देम, दाम नाम के ऋषि का एग्जाम्पल दिया है कि जो कि इंटरकोर्स करता विद फीमेल डियर, हिरणी के साथ में सेक्स किया था। ठीक है, और एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का। सूर्य ने मैर मतलब घोड़ी, घोड़ी के साथ में कोहिबिट किया था, घोड़ी के साथ में सेक्स किया था। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, और सबसे जो मतलब सबसे एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और काफी गिरा हुआ एग्जाम्पल है, बाबा साहब ऐसे बोलते हैं हीडियस इंस्टेंस। हीडियस इंस्टेंस मतलब बिल्कुल नैतिक रूप से पतन हो गया एक तरह से, वो चीज है कि वुमेन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हॉर्स इन अश्वमेध यज्ञ। मतलब जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उसमें जो वुमेन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती थी घोड़े के साथ में, और एक तरह से जो जजमान जो अश्वमेध यज्ञ करवाता था, मान लो कोई भी राजा है वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था, तो उसकी जो भी रानियां हैं वो मतलब आतुर रहती थी उस हॉर्स के साथ में सेक्स करने में, क्योंकि उस वक्त ये एक काफी मतलब प्राइड की बात थी कि अगर अश्व में एक यज्ञ हो रहा है तो उसमें जो अश्व घोड़ा यूज किया जा रहा है, तो जो रानी उस घोड़े के साथ में मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती थी तो उसको काफी प्रेस्टीज, काफी मतलब एक प्रशंसा मिलती थी और काफी उसका यश बढ़ता था इस चीज से, है ना। तो जो सारी रानियां हैं उनमें एक तरह से कॉम्पिटिशन रहता था कि कौन उस अश्व के साथ में सेक्स करेगी। तो फ्रेंड्स, एक तो ये बेस्टिलिटी चैप्टर नंबर 2 रिवोल्यूशन काउंटर रिवोल्यूशन में है, और दूसरा हम इसका रेफरेंस देखते हैं बाबा साहब की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म के रिडल नंबर 23 के अंदर। तो हम चलते हैं रिडल्स इन हिंदुइज्म के अंदर, रिडल नंबर 23 के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं रिडल नंबर 23, जो कि रिडल्स इन हिंदुइज्म की रिडल नंबर 23 है, कलि युगा व्हाई हैव द ब्राह्मिन्स मेड इट अनएंडिंग। जो कलि युग है उसको ब्राह्मणों ने बिल्कुल अनएंडिंग, मतलब इसका अंत ही नहीं हो रहा, वो क्यों बना दिया ये चैप्टर रिडल नंबर 23। इसके अंदर हम चलते हैं, यहां पर हम बेस्टिलिटी का जिक्र देखेंगे कहां पर है, तो लेट्स सर्च। तो हमने रिडल नंबर 23 के अंदर, रिडल्स इन हिंदुइज्म की रिडल नंबर 23 के अंदर ये पैराग्राफ खोल लिया है जहां पर बेस्टिलिटी का एक्सप्लेनेशन मिलता है। बाबा साहब कहते हैं लेट्स एग्जामिन द मोरलिटी ऑफ द ऋषिज। व्हाट डू वी फाइंड? द फर्स्ट थिंग फाइंड इज द प्रिविलेंस ऑफ बेस्टिलिटी अमंग द ऋषिज। जो ऋषिज हैं उनमें बेस्टिलिटी काफी मतलब प्रिविलेंट थी, काफी नॉर्मल थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। और इसका एग्जाम्पल बाबा साहब ने दिया है, टेक द केस ऑफ ऋषि काल विभंदका। ठीक है, इन अध्याय 100 ऑफ द वान पर्व ऑफ महाभारता, इट इज स्टेटेड दैट ही कोहबिटेड विद अ फीमेल डियर एंड दैट द फीमेल डियर बोर अ सन टू हिम हु सब्सिक्वेंटली बिकेम नेम एज ऋषि श्रृंगा। मतलब एक ऋषि था जिसका नाम था विभंदका, और इसकी अथॉरिटी दी बाबा साहब ने कि अध्याय 100 वान पर्व है महाभारत का, वहां इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ऋषि विभंद का, इसने एक हिरणी के साथ में सेक्स किया था, उसके बाद में जो उनका बच्चा हुआ इससे वो था ऋषि श्रृंगा, श्रृंगी ऋषि था जो कि हिरणी से पैदा हुआ था। आगे बाबा साहब एग्जांपल देते हैं कि इन अध्याय 1 एज वेल एज इन 118, मतलब महाभारत के आदि पर्व
के अंदर अध्याय 1 और 118 के अंदर एक मतलब महर्षि मिलता है, जिक्र मिलता है कि जो पांडु जो कि पांडवों का पिता था उसको श्राप मिला था ऋषि दाम से। एक्चुअली हुआ ये था कि जो ऋषि दाम है ना वो एक जंगल में एक हिरणी के साथ में कोहिबिट कर रहा था, सेक्स कर रहा था। तो उस दौरान जो पांडु है उसने मतलब अपनी तीर से निशाना लगाया और उसने उस दाम ऋषि को मार दिया। एक्चुअली हिरणी की आवाज आई होगी तो वो जब उसने तीर चलाया तो वो दाम ऋषि को लग गया। दाम ऋषि उस वक्त उस हिरणी के साथ में सेक्स कर रहे थे, ठीक है। तो पांडु के उस तीर लगने से वो दाम ऋषि खत्म हो गए, लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो अपनी पत्नी के पास में जाएगा वो उसी वक्त ही मर जाएगा, है ना। बिफोर ही डाइड दामा अटर्ड अ कर्स सेइंग दैट इफ पांडु एवर थॉट ऑफ अप्रोचिंग हिज वाइफ ही वुड डाई इंस्टेंटली। जैसे अपनी पत्नी के पास जाएगा वैसे ही वो खत्म हो जाएगा। ये श्राप दाम ऋषि ने पांडु को दिया जब दाम ऋषि हिरणी के साथ में जंगल में सेक्स कर रहा था और पांडु ने तीर से दाम ऋषि को मार दिया था। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो ये व्यास है वो इस चीज को बेस्टिलिटी को एनिमल सेक्स को छुपाने की कोशिश करता है और वो ये कहता है व्यास व्यास नाम का जो ऋषि है वो कहता है कि जो ऋषि और जो उसकी वाइफ है पत्नी वो क्या है हिरणी का रूप धारण कर फिर वो सेक्स करते हैं जस्ट फॉर द फन। मतलब इस बेस्टिलिटी को छुपाने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण क्या कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ऋषि है वो क्या है हिरणी का या फिर मतलब और किसी जैसे मतलब घोड़ा बन जाना घोड़ी बन जाना इस तरह का वो रूप धारण कर लेते थे उसके बाद में वो सेक्स करते थे एक फन के लिए एक मजे के लिए। मतलब मनुष्य रूप में सेक्स करने में उतना मजा नहीं आ रहा इसलिए हिरणी का रूप या हिरण का रूप धारण करके सेक्स करते थे तो उसमें ज्यादा मजा आता था। बाबा साहब कहते हैं कि अदर इंस्टेंस ऑफ सच बेस्टिलिटी बाय द ऋषि मतलब अगर हम रिसर्च करें एंशियंट रिलीजियस लिटरेचर ब्राह्मणों की एंशियंट रिलीजियस लिटरेचर रिसर्च करें तो हमें इस तरह के और भी एनिमल सेक्स के बेस्टिलिटी के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो का जो मकसद वो आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर जो बेस्टिलिटी थी वो जो एनिमल सेक्स था वो काफी प्रिविलेंट था, एक नॉर्मल बात थी, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। वो आज के हिसाब से मैं बड़ा रख सकता है लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो एक नॉर्मल चीज थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको बेस्टिलिटी का वैदिक आर्यन सोसाइटी के ना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब अंबेडकर के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।